धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1975 की बात है, मुझे सरकारी नौकरी में आए तब एक महीना ही हुआ था। उस समय मैं लुधियाना में प्रेमी गुरनाम सिंह के घर रहती थी, जो के मेरे दफ्तर के नजदीक ही था। मैं अपने दफ्तर से शाम 5 बजे घर आई तो पता चला कि गांव हठूर में पूज्या परम पिता शाह सतनाम जी महाराज का सत्संग है। गुरनाम सिंह का टेम्पू सत्संग पर जाना था। मैंने कहा कि अगर रात को सत्संग सुनकर वापस आना है तो मैं भी चलती हूँ। प्रेमियों ने मुझे कहा कि रात को ही आ जाना है। वहाँ सरसा शहर का एक आदमी था जिसको परम पिताजी ने बाहर गांव में नाम चर्चा करने से रोका था कि तुमने नहीं करनी, परंतु किसी भाई ने उस सत्संगी को कहा कि प्रेम आगे नेम नहीं, तू हमारे साथ चल बैठ। उसने कहा कि पिताजी ने मुझे मना किया हुआ है, मेरे साथ तुम भी ना रह जाओ। उस भाई ने जबरदस्ती उसे टेम्पू में बिठा लिया। हम शाम के 6 बजे लुधियाना से हठूर के लिए चल पड़े कि 2 घंटों में पहुंच जाएंगे, परंतु रास्ता खराब था। वह जगह जगह पर खड्डे थे। हम रास्ते में कस्सी से खड्डा भर लेते वह चल पड़ते। उधर परम पिताजी ने सत्संग के दौरान 2-3 बार वचन फरमाए, भाई लुधियाने वाली संगतां बिखड़े रास्ते पै गई है। जिस वक्त लुधियाने वाली संगत पहुंची तो 11 बज चुके थे। पूजनीय परम पिताजी सत्संग फरमाने के बाद नाम गुरुमंत्र देने लगे थे। नाम देते समय परम पिताजी एक जिम्मेवार भाई से कहा कि तुम्हारे साथ जो जीव नाम लेने आए हैं उन्हें नाम दिलवा लो। हमारे साथ वाले 5 जीवों ने नाम ले लिया। परम पिताजी ने उस जिम्मेवार भाई को आदेश दिया, तुसी हुण आराम कर लो, सवेरे 4 बजे चल पैना। परंतु उस टेम्पू के ड्राइवर ने जिद की कि हम पिताजी के दर्शन करके जाएंगे। पूजा परम पिताजी सुबह 7 बजे साध संगत को दर्शन देने के लिए आए और लुधियाना वाली संगत के जिम्मेवारों को डांटा कि तुम्हें कहा था कि सुबह 4 बजे चले जाना, और वचन फरमाया कि कोई नौकरी वाला भी होता है। परम पिताजी ने हमें अपनी दृष्टि वाला प्रसाद दिया। उनमें केवल मैं गुनाहगार ही नौकरी वाली थी। मेरे घर पहुंचने से पहले अफसर ने मेरे साथ वाली लड़की मेरे घर भेजी के पता कर आओ। प्रेमी गुरनाम सिंह की
पत्नी ने उस लड़की को कहा कि वह तो सत्संग पर गई है, अभी आने वाले हैं। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंची तो उस समय 10:10 हो चुके थे। अफसर ने पहले ही कह दिया था कि आज उस लड़की को जुबानी समझा देना, अगर वह फिर लेट आई तो लिखकर वार्निंग देना, अगर फिर लेट आई तो हमारे पेश कर देना। हमारे अफसर यह कहकर हटे ही थे कि मैं जा पहुंची। मैं अपने मन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नहरा लगाकर अंदर चली गई। मैंने कहा या मेरे सतगुरु ने मेरे मुंह से निकलवाया कि सर माफ करना, मैं 10 मिनट लेट हो गई। अफसर ने कहा कि हमने 10 बजे तो लड़की आपके घर भेजी थी, अब किस तरह 9:10 हो गए, वॉल क्लॉक पर भी 9:10 ही थे। अफसर हैरान हो गया, वह कहने लगा कि बीबा तेरे हाथ में कोई जादू है। मैंने कहा कि नहीं सर, यह बात नहीं। फिर मैं चुप हो गई। फिर अफसर ने कहा कि बीबा तेरे गोडी हाथ लाइए, तू बताएगी कि यह टाइम कैसे बदल गया। मैं गुनाहगार ने उस अफसर को कहा कि सर जी आज कल कलयुग का जमाना है, कलेजा फाड़ के दिखा दें तो भी दुनिया को सच नहीं आ सकता। अफसर ने कहा कि हम सच मानेंगे, तू बता तो सही। मैंने कहा कि सर जी यह मेरे गुरु परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने मेरी लाज रखी है, जिसका मैं सत्संग सुनने गई थी। इतना सुनकर वह अफसर बड़ा प्रभावित हुआ, उसके मन में भी दर्शनों की लगन लग गई। उन्होंने कहा कि तू हमें ऐसे महान गुरु के दर्शन करवाएगी। मैंने कहा कि हाँ जी जरूर करवाऊंगी। कुछ समय बाद की बात है, मैं अपने दफ्तर में दोपहर का खाना खाने के बाद बाहर मेन सड़क पर घूमने चली गई, जो के हमारे दफ्तर के पास से गुजरती थी। उसी समय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की गाड़ियां आ गई। हमने परम पिताजी के खूब दर्शन किए और आकर मैंने अफसर को बताया। हमारा अफसर कहने लगा कि हमें भी महापुरुषों के दर्शन करवाओ। हमारा सारा स्टाफ जाने के लिए तैयार हो गया। उन दिनों में पूजा परम पिताजी अक्सर ही लुधियाना जाया करते थे। मेरे को पता चला कि परम पिताजी आज लुधियाना में एक सेवादार के घर आए हुए हैं और रात को भी वहीं रुकेंगे। मैं अपने अफसर व स्टाफ को लेकर उसी घर जा पहुंची जहां परम पिताजी का उतारा था। परम पिताजी ऊपर चबारे पर थे। हम 3 जीपें भरकर पूरे स्टाफ सहित
वहां पहुंचे थे, उस भाई ने हमें चबारे पर जाने से रोक दिया और कहा कि पिताजी 225 किलोमीटर सफर करके आए हैं तथा आराम कर रहे हैं, आप 4 बजे स्टॉप को लेकर आना। इतने में घट घट वह पट पट की जानने वाले मेरे सतगुरु परम पिताजी ने चबारे की खिड़की खोल दी तथा उस भाई को फरमाया, हाकमा नू ते उस दे स्टाफ नू आ जान देओ। मेरे दयालु दाता जी ने मेरे सारे स्टाफ को मौसमी फ्रूट का प्रसाद दिया। मेरे स्टाफ मेंबर कहने लगे, बाबा जी हमें अभी नाम दो। मेरे दयालु दातार जी कहने लगे, वैसे ता असी सत्संग तो बिना नाम नहीं दिंदे, पर तुसी शाम नू आ जाना, नाम दे देवांगे। उस दिन शाम को वहीं सत्संग हुआ और दयालु शहंशाह जी ने मेरे स्टाफ समेत 40 जीवों को नाम बख्श दिया। अगर सारे समुद्रों के पानी की स्याही बना ली जाए, सारी वंशपति की कलमे बना ली जाए, सारी धरती को कागज कर लिया जाए, तो भी मैं अपने सतगुरु खुदा परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दो जहान के वाली की दया मेहर के नजारे बयान नहीं कर सकती, ना ही उनके एहसान जो उन्होंने हम पे किए हैं, मैं उनका बदला चुका नहीं सकती हूँ। एहसान जो कीते साडे ते कदे उन्हां नूं भुलाया नहीं जांदा। मेरी हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में यही विनती है, हाथ बन बन अर्जा गुजार दे, असी सेवादार रहिए दरबार दे, ना होर आस कोई है। शहंशाह दात्या तू वाली दो जहान दा, पर कोई कोई जानदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।